खिलाड़ियों का और रोडीज बनाने एंड देखने वाले लोगों का। यह है ओन दी एंड यूट्यूब चैनल, यहाँ पे हर एक रियलिटी शो का हंट होता है, जो भी बातें होती है उनकी, जो भी ऑडिशन होते हैं, सब कुछ यहाँ पे होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले और घंटा बता दो आने वाली वीडियोस की अलर्ट के लिए। लास्ट टाइम एक यूनिक एंड एपिक जो मेरा तरीका था प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, जो एक फनी एंड कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए था एंड एक ह्यूमर लाने के लिए था, वीडियो में एंटरटेनमेंट के लिए था, पर उसमें जो मैंने बातें जो बोली थी वो सब कुछ सस्ती, पर लोगों ने मजाक में ले लिया, बिकॉज मेरा तरीका थोड़ा मजाकिया था। पर ऐसा कुछ नहीं, जो मैंने सारी बातें बोली थी वो सब सस्ती एंड तुम लोगों ने वो वीडियो देखी तो पता भी चले होगा, उनसे एक एक बातें बाहर निकल के आ रही है। तो मैंने वहाँ पे सब कुछ एक साथ बता दिया था, पर अब मैं तुम्हें बारी बारी करके दोबारा बताने आया हूँ फिर से एक जेन्युइन तरीके से, ताकि तुम मेरी बातों को यकीन कर लो। तो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, तुम्हें बताता हूँ क्या क्या होगा रोडीज के आने वाले एपिसोड्स में। तो सबसे पहले वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आने वाली है इस वीक। तो मनदीप, जैसे मैंने पहले बोला था कि वो बाहर निकलेगा एंड वाइल्ड कार्ड में दोबारा आएगा, तब तक वो बाहर निकला नहीं था, तुम मेरी वीडियो जाके चेक कर सकते हो, पर अब वो बाहर निकल चुका है एंड वाइल्ड कार्ड में दोबारा आएगा। जो बच्ची बाजी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज लेके आ रहे हैं तो उसमें मनदीप वापस आएगा एंड फिनाले तक जाएगा, जीतेगी श्वेता ऑफकोर्स, सीधी सी बात है, जैसे मैंने पहले बोला था। एंड जो बैटल है अभी श्वेता एंड जागृति के बीच में, वो भी ऑफकोर्स श्वेता जीतेगी, क्योंकि श्वेता आगे तक जा रही है, फिनाले तक जीत रही है। एंड मिलन आएगा नहीं आएगा, बाकी बसीर का क्या होगा, बसीर क्यों नहीं जीतेगा, जो भी सारी बातें थी यार, मेरे को सब कुछ मैं बता नहीं सकता एंड सब कुछ मेरे को पता भी नहीं है, बिकॉज मैं ना रोडीज बनाता हूँ और ना मैं रोडीज से कंटेस्टेंट हूँ। जितना मेरे को अपने सोर्सेज से पता चलता है मैं उतना तुम्हें बताता रहता हूँ, ट्राई करूंगा कि और भी पता लगाऊं और तुमको जल्दी से जल्द बताता रहूँ। एंड जो मेरे ख्याल से पब शो जो लड़की थी वो भी शायद वाइल्ड कार्ड में वापस आ सकती है एंड प्रिंस उसने बहुत मजे ले लिए, अपना गैंग लीडर वो अपना रोडिंग गैंग बन के एंड नया से एंड वे सबसे लड़ाई करते जा रहे हैं, पर उसका बहुत बुरा होने वाला है। उसके दो गैंग मेंबर एक साथ जाने वाले, हाँ एक तो निकले और एक इंजरी की वजह से एक और जाएगा, तो दो गैंग मेंबर का लॉस होगा प्रिंस को, तो ये बहुत गलत होगा उसके साथ। बट जैसा वो कर रहा है उसमें थोड़ा एटीट्यूड आ गया है, जो मैं कहता नहीं पर मेरे को दिख रहा है, ऐसा टीवी पर दिख रहा है, मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता इस बारे में, पर ऐसा टीवी में दिख रहा है कि उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड दिख रहा है, वो सबसे लड़ाई करते जा रहा है। सो उसकी वजह से या फिर कुछ भी कह सकते हैं कि टिट फॉर टैट जो भी है कर्मा वर्मा, तो उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। एंड निखिल की जो गैंग है वो तो बस चल रही है स्मूथ वे में, बस चलती रहेगी एंड और कुछ बताने को रह नहीं गया है, और भी कुछ बताने को तो जल्दी से बताता रहूँगा। एंड वाइल्ड कार्ड एंट्रीज देखो और तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या होने वाला है सही में। एंड भाई लोग मुझसे मत पूछा करो यार ये सब चीज़ें, कि मेरे को श्वेता ने बोला है कि श्वेता नहीं जीतेगी, उसकी गैंग का मेम्बर जीतेगा, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि भाई अपना वसीर जीतेगा ये हो, यार तुम्हें जो बता रहा है उसको क्या पता, और वो क्यों तुम्हें सच बताएगा। पहली बात मैं इस इंडस्ट्री से हूँ, मैंने ये सब चीज़ें देखी है एंड मुझे जो मेरे सोर्सेस है वो बहुत ही तगड़े हैं, जहाँ से मेरे को पता चला है। सो तुम मेरी पिछली वीडियो जाके चेक कर सकते हो, जो मैंने बातें वहाँ बोली थी काफ़ी टाइम पहले वो सब सच होता जा रहा है अभी के एपिसोड्स में। जो मैंने जिब्रन वाली बात बोली थी कि वाइल्ड कार्ड वो अपना बैटल ग्राउंड से वाइल्ड कार्ड एंट्रीज आएगी, उनको लाइट ऑन ऑफ का सीन होगा, उसको बाहर निकालेगा, वो मैंने कब डाली थी, वो एपिसोड कब आए तुम ये भी देख सकते हो। मैंने सारी जो बातें बताई थी कि ऐसा होगा वैसा होगा सब सच होता जा रहा है, मंदी बाहर जाएगा ये मैंने बताया था। सो उन बातों को छोड़ते हैं इस वीडियो में, जो मैंने बोला उस पर कंसिडर करो कि मंदी वाइल्ड कार्ड में आएगा एंड फाइनल तक जाएगा, और प्रिंस का बहुत बुरा होने वाला है, श्वेता का जीत जाएगी एंड कुछ और होगा तो मैं बता दूंगा फटाफट। एंड तब भाई तुम सोच रहे हो कैसे मेरी वीडियोस बहुत कम क्यों हो रही है, बिकॉज यार मैंने अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है नोटी नामक, वहाँ पर मैं डेली ब्लॉग्स डाल रहा हूँ। सो तुम वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारी इस चक्कर में मैं वीडियोज के चक्कर में यूट्यूब की वीडियो से उनको जेल जाना पड़ रहा है, तुम्हें पता ही होगा जिन जो मेरे टच में है सोशल साइट्स में जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने वीडियोज भी डाली है अपने व्लॉग चैनल नोटी नामा कूल में, तो तुम देख सकते हो कि मेरे को जेल में जाना पड़ा था इसलिए काफ़ी दिक्कतें आई थी। एंड अब सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो जो तुम्हें करना चाहते हो, बस कुछ तो करो यार एंड सपोर्ट करो भाई को, बिकॉज मोनेटाइजिंग ऑलरेडी चैनल की ऑफ है, मोनेटाइजिंग के लिए पैसों के लिए चैनल बिल्कुल नहीं है। एंड तुम भाई को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और कुछ नहीं चाहिए भाई को, और तुम्हें भाई ऐसे ही देता रहेगा एंटरटेनमेंट एंड सभी रियलिटी शोज की इन्फॉर्मेशन एंड जो भी टैलेंट वैलेंट होगा बाहर निकालेंगे, कोई चक्कर ही नहीं है। एंड बस इतना कहूँगा, डोंट स्टॉप, डोंट स्टॉप, अगर तुम रुकते हो तो भाई बहुत गलत होता है, लाइफ में बढ़ते रहो आगे, स्पीड ब्रेकर्स आते रहेंगे तुम आगे बढ़ते रहोगे, अगर स्पीड ब्रेकर्स नहीं आ रहे तो तुम रुके हुए हो। एंड और ये फ्री गिव अवे वाले जो मैंने चैलेंज देखा था फ्री कॉन्टेस्ट की, तुम एरर देखो मेरी वीडियो में तो वो अभी भी ऑन है, तुम्हें एरर फाइंड करो वीडियो में टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में, कहीं भी तुम्हें एरर मिलता है तो उसको फाइंड करके कमेंट करो, साथ में हैशटैग लगाओ उल्लासो,
और जो जीतेगा बंदा उसको मैं अपनी वीडियोस में लूंगा या उनकी वीडियो फीचर करूंगा, एंड वो बंदा दूर का तो मैं उसको फ्री टी शर्ट भी जमाऊंगा, पार्सल करूंगा। जितनी भी रियलिटी शोज की टी शर्ट्स हैं मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, अगर तुम्हें चाहते हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो, और जो मेरा कंटेस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करो। और तुम्हें इंग्लिश के कोई भी वर्ड या ग्रामर में टेंस में कोई भी गड़बड़ दिखती है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो विद हैशटैग उल्लासो। सो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं वही, तब तक के लिए उल्लासो, देखते रहो ऑन दी हंट यूट्यूब चैनल। घर से हम चले बस एक बैग पैक और एक गिटार, पैसों की फिक्र नहीं, बाइक पे हम सवार, राहों की है।